सुबह माया के जलवे, क्या हाल है मेरे भाइयों के। गाइस एज आई प्रॉमिस यू इन माय लास्ट व्लॉग के भाई टेनर है अपने पास और ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। आज कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई ऑफ नहीं, वेंसडे है एंड आज बस बाइक चलाने का मन कर रहा था तो आज कल रात को मैं घर लेके आ गया था। अदरवाइज मेरी वर्कशॉप पे जो करोल बाग में है वहाँ पे खड़ी रहती है तो बाइक चलाने का मन कर रहा था। एंड कंस्ट्रक्शन अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो सब बंद हो रखा है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो सभी भाजी का भी ऑफ है। सभी भाजी ने ऐसी रैंडमली कल रात को मैसेज कर दिया कि भाई मेरा ऑफ है चले राइड वे, एंड लिटरली वो उनका तो ये तो आ गया वरना अदरवाइज मैं अकेला जाने वाला था आज राइड वे, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो पाजी और मैं आज जा रहे हैं राइड वे, वेंसडे राइड वे, तो आज आने वाले फुल मजे। एंड आज हमारे साथ, मतलब हमारे साथ क्या, पाजी और मेरे साथ आज हमारे को ज्वाइन करने वाली है माही, जो आई थी दो व्लॉग में हमारे साथ, तो आज वो दोबारा हमारे को ज्वाइन करने वाली है। एंड आज हम जाने वाले गुड़गांव एंड मस्ती करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं एंड अपनी राइड और आप लोगों को एंजॉय कराने वाले हैं। बम 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 तो पाजी एज यूजुअल मेरा रजौरी में वेट कर रहे हैं, पहले पाजी को ज्वाइन कराएंगे देन फिर माही को पिक करेंगे क्योंकि वो उनके पास बुलेट है, वो बुलेट राइड करती है, तो मैंने कहा मेरे साथ चलो एज अ पिलियन, तो फिर वहां से पिक करेंगे एंड देन फिर हम अपनी राइड जो है वो स्टार्ट करेंगे वहां से। राइड तो मतलब घर से ही स्टार्ट हो जाती है, जब बाइक स्टार्ट हुई तो राइड भी स्टार्ट हो ही जाती है। भाई ये इतनी ज्यादा लाउड है ना अपनी कॉलोनी में, अपनी गली में स्टार्ट करने को ना मेरे को सुबह सुबह डर लगता है। भूसा क्या है, भूसा इतनी शांत है इवन मेरे घर वालों को तक नहीं पता लगता कि जब मैं संडे राइड पे जाता हूँ भूसा लेके, भूसा नीचे स्टार्ट करता हूँ, ऊपर मेरा सेकंड फ्लोर में घर है उनको वहां तक आवाज नहीं जाती, भूसा इतनी शांत है। एंड ये तो भाई साहब पूरी गली उठा दे इतनी ज्यादा लाउड है। तो पाजी तो अभी तक नहीं आए, आज पाजी का मैं वेट कर लेता हूँ, वैसे हमेशा पाजी करते हैं, आज मैं करूंगा। व्हाट हैपेंड ब्रो, आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर। यस ब्रो, यस सो मॉर्निंग आधा। हेलो, टाइम इज मनी ब्रो। Time is money. Yeah. And money can buy these bikes. Yeah. So you have to be fast. You have lot of money. Khandani money. I have to earn and buy it. You have to be fast if you want to purchase more and more bike. I have fast machine, but today I am late. इतनी इंग्लिश बोलता है अभी के लिए। कनाडा वाली आ जाएगी। कल पहली बार इसकी बहुत फटी मेरी। क्या? ये कांटे वाला पोल नहीं है, कांटे वाला नहीं है कि जेडी किर्बी प्लेस वाली बत्ती है कि। हाँ हाँ। जेडी गुड़गांव की तरफ। हाँ हाँ। वो बत्ती से लेकर ना वो पुल तक। हाँ। ड्राइव वाले पुल तक से ना पूरा। अच्छा। रोड मोड पे ही था मैं। ये नाल भी चल रही है मेरे। हाँ। मैंने खिंचा मारा वो इतनी ऊपर आ गई रोड मोड पे, दूसरा तीसरा चौथा कट्ठे ही डाल दिया मैंने। मेरे आज हो गया क्या, दूसरा तीसरा चौथा कट्ठे ही। अरे बहुत पावरफुल मशीन है ये। देख लो गाइस अभी जस्ट मिले ही हैं एंड अभी से ये मस्ती मजाक शुरू हो गया, तो आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को कितना ज्यादा मजा आने वाला है। यार मैंने वैसे इसकी फ्लेम नहीं देखी जब से डीबी किला निकाला, एक बार फ्लेम देख ले। फ्लेम फ्लेम निकालने के चक्कर में कान की मिट्टी बाहर निकल जाती है। एंड ये सारे भाई एक साथ खड़े हो गए हमारे पे अटैक करने के लिए। जय साई राम। स्वाद ही आ गया।
आज काफी टाइम बाद मैं अपने लॉन्ग शूज पहन के आया हूँ, राइडिंग शूज, मेरे को शायद पहने हुए भी ऑलमोस्ट एक साल नहीं तो 8-9 महीने तो हो ही गए होंगे। मैं शॉर्ट शूज ही पहन के चलता हूँ, वो कंफर्टेबल रहते हैं ना, इस वजह से उसमें पहनने को उसको घूम सकते हैं। ये पहन के ना हम चल नहीं सकते ज्यादा, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकता, लोग फिर भी चल लेते हैं क्योंकि मेरे पैर का एक बार एक्सीडेंट हो रखा है तो उसमें से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं शॉर्ट शूज प्रेफर करता हूँ। बट आज छुट्टी मनाने निकले हम तो मैंने कहा फोटोशूट कराएंगे, फोटोशूट शॉर्ट शूज में बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा लॉन्ग शूज पहन के चलते जब पड़े हैं तो क्यों ना आज इसमें फोटोशूट कराया जाए। टेन आ रहा है उस्ताद जी, है 1000 आ रहा है, फोटोशूट आपको पता ही है कैड़े वाला होने वाला है, और हैशटैग नीचे फोटोज में होगा क्या हाल है भाई हो गए। सब ठंड से ना हालत इतनी खराब हो गई है ना, ऊपर तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही क्योंकि वार्मर पहन के आया हूँ, बट जीन्स के अंदर जो ठंड लग रही है भाई, नीचे भी पहन लेना चाहिए था वो ठंड लग रही है मेरे को तो। यहाँ पे तो ज्यादा ठंड है, हमारे वहां इतनी ठंड नहीं लग रही थी, यहाँ पे मेरे को तो एग्जैक्ट मेरे ख्याल से संजय वन एरिया पड़ता है ना जहाँ पे शेर पंजाब है, वहां पे हम जा रहे हैं माही को पिक करने, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड है, ग्लोव के अंदर अंदर तो ऐसे लग रहा है सुइया चुभ रही है। हॉर्न भी बजा लेना चाहिए कभी कभी, बेचारा वरना बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई मेरी जरूरत ही क्या है, मेरे को बाइक पे दे क्यों रखा है। पी 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 पी। इच्छा इनके पास में हीटेड ग्रिल चाहिए तो हीटेड ग्रिल का यूज कर रहे हैं, मैं क्या यूज करूं। देवू भैया के पास चलान पहुंच जाएगा, मैंने यहाँ पे ओवर स्पीड करी तो। यहाँ पे कैमरे भी ना पता नहीं कहाँ पे छुप छुप के लगे हुए हैं, तो ये वाली रोड पे तो बिल्कुल भगाने का रिस्क नहीं ले सकता भाई, देखो अपनी चीज होती है ना, चलान है जो मर्जी है, टेंशन नहीं होती, बट जब हम दूसरों की चीज चलाए तो भाई केयरफुली चलानी चाहिए, क्योंकि वो हम पे भरोसा करके जब देते हैं तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या क्या हुआ क्या हुआ बता, तो क्या करना है, बाइक की आवाज सुनना, अजीब है, सबसे मीठी आवाज है। किसका, गाने सुन के इस वाले बाइक की आवाज में गाने की आवाज सुनाई नहीं देगी। चलो भाई, पहली बार ये लड़की मेरे पीछे टेनर में बैठी है, आज बिल्कुल नहीं डरती भाई, ये बिल्कुल भी नहीं डरती। लिटरली मैंने एक बार सी ट्रिपल पे हमने पिलियन राइड करी थी, मैं 200 की स्पीड में भी चला रहा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कह रही भगा लो। आज देखते हैं 10 आर पे क्या हाल होता है इसका। इस लड़की को डर लगे ना लगे, मुझे बड़ा जरूर लगेगा, मैं कंफर्टेबल अभी उतना नहीं हो पाऊंगा एज अ पिलियन, तो देखो यार वैसे तो बहुत चलाई है बट लड़की के साथ मैंने कभी नहीं चलाई और भगाई नहीं है, मतलब चलाई है भगाई नहीं है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा भाई। और भैया रे पाजी तो अपना मस्त क्रूज कंट्रोल में चल रहे हैं, एंड मुझे थोड़ा सा वो लगता है यार जब ये क्रूज कंट्रोल पे चलते हैं मेरे को चिड़ बसती है। चलो माही के साथ एक स्ट्रेच मारूं, देखते हैं ये डरती है या मैं डरता हूँ। बस भाई इतना स्ट्रेच बहुत है। पीछे से हाथ मार रही है। Oh, my God.
क्या 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 उड़ गई जैकेट उड़ गई अच्छा बन्नी करी हुई थी बन्नी करी हुई थी ये डर नहीं लगता डर नहीं लगता ये बीजे ने बोली अरे चलो ना चलो ना अभी तो मैं 50% ऑर्डर ले रहा हूँ पूरी पीछे खींच रही पीछे नहीं खींच रहे पीछे भाग रहे होगे भाई ये नहीं डरती पहले फ्यूलिंग करा लेते हैं कहीं पता लगे भगाने भगाने के चक्कर में धक्के लगाने पड़ गए लड़की के साथ बेइज्जती बहुत डबल मतलब बेइज्जती इनटू 100 होगी कहाँ सीएनजी होती अरे पेट्रोल पंप कहाँ गया हंसी जा रही है हंसी जा रही है पता नहीं क्या हो गया इसको क्या हुआ है और क्या व्हीली लग गई पीछे तो दबा रही है